हाय गाइस, तो यार आज आप सोच रहे होगे आज ये पेंथू कहाँ टहल रहा है रोड के पास। तो यार गाइस, आज वीडियो में ना कुछ नया ट्राई करने वाले हैं हम लोग। आज मैं जा रहा हूँ लियो से मिलने, एंड लियो तो अपना डोबरमैन जो बहुत फेमस हो गया है, आप लोगों ने इतना ज़्यादा वायरल किया उस वीडियो को, बाप रे बाप, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस उस चीज़ के लिए। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं लियो से मिलने पब्लिक डिमांड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया डोबरमैन से फिर से मिलवाने लेके जाओ पेंथू को। लेकिन आज एक और सरप्राइज़ है। आज मैंने मानवेन से बोला कि मानवेन जेनी को भी लेके आओ, है ना। तो आज हम लोग तीन ब्रीड्स को मिलवाएंगे, एंड जिसमें से जेनी और लियो एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उन दोनों का रिएक्शन कैसा होगा। तो यार गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ मानवेंद का, लेकिन एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ वो है ये। आप देख रहे हो, मैं जब घर से चला था ना तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी। अभी फ़िलहाल हम लोग शेड में खड़े हुए हैं, लेकिन इधर उधर काफ़ी धूप आ गई है यार, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ कि पता नहीं यार डॉग्स को एक्सरसाइज कराना इस टाइम पे सही है भी या नहीं। एंड इफ़ यू वंडरिंग कि मैं भालू को क्यों नहीं लाया, गाइस मैं भालू को इसलिए नहीं लाया क्योंकि आपने देखा है भालू इज़ थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है वो नए डॉग्स के लिए। एंड जेनी उसके लिए, वैसे तो वो जेनी से मिली है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, तो एक साथ भालू, पैंथर, जेनी, लियो सबको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ थैंक गॉड भैया शेड आ गई, फ़िलहाल धूप चली गई है ना, बट ये नहीं पता कितनी देर के लिए। एंड एक और चीज़ भी है यार, जो बलराम भाई हैं, कैसे हैं भैया, जो बलराम भाई हैं उनको अभी तक मैंने कॉल किया था, उन्होंने कॉल उठाया नहीं था, तो अभी तक उनको इस प्लान के बारे में नहीं पता है कि मैं और मानवेन हम लोग मिलके उनके घर जाने वाले हैं, तो उनको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं। अरे बाप रे, ओए ये थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है आज। ओए ओए ओए, आराम से आराम से, थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है गाइस। तो वैसे तो मैंने जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सब लोग जानते ही हैं कि पेंथू बाइक्स और कार्स पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है जब वो उसके पास से निकले। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे, कुछ लोग नए हैं, तो मैं आपको इसीलिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कभी मैं टहलाते हुए दिख जाऊँ तो प्लीज़, अगर आप बाइक से हों या कार से हों तो मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, प्लीज़ मेरे पास आके अपनी कार मत रोकिएगा, मेरे पास आके अपनी बाइक मत रोकिएगा, मुझे दूर से हाई कर लीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा, है ना, लेकिन मेरे पास आके मत रोकिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है अगर मेरे पास आके कोई बाइक रुके या कार रुके, है ना, इसको वो थ्रेट लगता है, इसको लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है। ओहो देखो मानवेंद आ चुका है यार, तो जेनी आ रही है, पेंदु जेनी, पेंदु, हाँ, मिल गए दोनों लोग। अबे क्या कर रहे है? चलो आओ लियो से मिलने चलेंगे, चलो हाँ चलो चलो। तो गाइज उसके बाद मैं, पेंथू, जेनी और मानवेंद्र, हम चारों लोग चलने लगे लियो के घर की तरफ। लेकिन वही वाली चीज़ है कि अंदर से ना एक ये फीलिंग भी आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो आज बलराम भाई का फ़ोन तो उठा नहीं, कहीं ऐसा ना हो आज वो घर पे ही ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो बलराम भाई थे वो सो रहे थे, क्योंकि आज संडे का दिन था तो वो सो रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमारा फ़ोन वो उठा नहीं पाए थे। एंड वो जो कॉर्नर वाला घर दिख रहा है ना आपको, वाइट और येलो वाला, वही था लियो का घर। तो हम लोग फिर झटपट पहुँच गए लियो के घर, एंड उसके बाद कैसा रिएक्शन हुआ इन सब डॉग्स का वो आप खुद ही देख लो। लियो बोलेंगे घंटे बजाएंगे, लियो आ जी। तो खैर भैया बच गए हम लोग को मिल गए बलराम भाई, है ना। तो बलराम भाई ने ऊपर से सिग्नल भी दे दिया कि आ जाएं, हमने कहा भैया भाई आ जाइए, तो आ रहे हैं बलराम भाई लियो को लेके, है ना। बाकी अभी देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। बाप रे बाप, ये गेट खुलने वाला है एंड फाइनली लियो यहाँ से निकलने वाला है। बाप रे बाप। अच्छा जेनी ज्यादा डॉग से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं रहती ना, ज्यादा नहीं रहती। हाँ ओ बाप रे, गेट खुलने वाला है, गेट खुलने वाला है, गेट खुलने वाला है, लियो लियो आ चुका। ओ बाप रे, एक रॉ टॉयलर और एक भाई।
तो गाइस पैंथू अपना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था लियो को देख के। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि बलराम भाई और पैंथू बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, है ना। तो बलराम भाई को लगा कि चलो वो उसको पकड़ लेंगे तो शायद वो थोड़ा शांत हो जाए। एंड पैंथू को इस मोमेंट पे ना बिल्कुल पता नहीं है कि वो बलराम भाई के हाथ में है, क्योंकि मेरी आवाज़ बगल से ही आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा दूर बढ़ा, उसको एकदम से वो लगा कि अरे मैं करूँ क्या, पहले लियो पे भोंकूँ या पहले संचित को रोकूँ। अब देखो एक तरफ मेरी तरफ देख के भोंक रहा है, एक बार उधर देख के भोंक रहा है। लेकिन फिर फाइनली प्रायोरिटी वॉज मी, उसने मुझे चुन लिया और वो बस मेरी तरफ ही देख के भौंकने लगा। तो चलो ये चीज आप देखो इसकी भाषा में। मैं जा रहा हूं बाय बाय बाय। वो परेशान हो गया, वो नहीं चुपोगा, मैं तो जा रहा हूं, मैं बाय बाय। अरे बाप रे, परेशान हो गया मैं तो। आ रहा हूँ। बेटा ओए बस। हाँ क्या हो गया, तुम रह गए। बाप रे, उसे धूप से उधर कर दीजिए ना, बेचारे का गला सूख जाएगा। पैंथू आ जाओ बेटा, आ जा। तो गाइस उसके बाद मैंने बलराम भाई से बोला कि भाई प्लीज इनके लिए पानी ले आइए, क्योंकि एक तो धूप बहुत हो रही है, ऊपर से हमारे जो पैंथू महाशय हैं तो भौंक भी बहुत ज्यादा चुके हैं, तो इनका गला सूख रहा होगा। लेकिन पानी आने वाले टाइम पे पैंथू ने कुछ ऐसा किया ना, आप देखना जैनी जब पानी पिएगी ना, उतनी देर में ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देंगे कि लियो जैनी के पास ना आ जाए। तब जाके मेरे को समझ में आया, अच्छा इसको लियो से जेलसी हो रही है क्योंकि वो इसकी फ्रेंड के साथ खेल रहा है। क्या आप नहीं मानोगे? अच्छा चलो खुद देख लो फिर। ओए बस गिरा मत दियो मेरे को, ये जैनी से वो हो रहा है कि जैनी के पास मत आओ, ये जल रहा है ना कि जैनी के पास मत आओ। फील हो रहा है, ये जल रहा है कि वो मेरी दोस्त है, उसके पास मत आओ। पानी ये बहुत पीता है, बहुत ही ज्यादा। हाँ मैं यही हूँ बेटा, यही हूँ। और व्यूअर्स को भी बहुत मजा आएगा इन दोनों ब्रीड्स को एक साथ देख के। अब बाप रे, हाँ यही हूँ बेटा। उसको क्यों काटे ले रहे हो, जैनी क्यों काट रहे थे तुम? जैनी को डांट रहे हैं, तू मेरी दोस्त है कि उसकी दोस्त है, साथ क्यों खेल रही है? हाँ बस बच्चा मेरा। हाँ बेटा। तो गाइज आपने देखा ये महाशय अपना गुस्सा लियो के साथ साथ जैनी को भी दिखाने लगे थे। तो बलराम भाई ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, पैंथू को खोल देते हैं। जैसे उस दिन पैंथू खोलने के बाद पत्थर से खेलने लगा था, शायद आज भी खेलने लगे। तो क्या वो पत्थर से खेला, आप खुद देख लो। खोल लो, बोल।
तो आपने देखा कि पैंथू ने कैसे छोटे बच्चों की तरह लियो को बोला, अबे थाले, और लियो थोड़ा सा पीछे हुआ, तुझसे इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरी दोस्त अलग हट जा, लियो थोड़ा सा बैक डाउन हुआ, तो पैंथू एकदम काम हो गया, फिर हाँ चलो ठीक है, मामला अंडर कंट्रोल है, लियो अब नहीं आ रहा है पास एसच है ना, और फिर उसके बाद एकदम काम हो गया एंड लग गया अपने जो पुराने उसके खेल हैं, पत्थर ढूंढना, पत्थर के पीछे जाना, इन सब चीज़ों में है ना। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हो यार कि धूप बहुत ज़्यादा थी एंड मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इस टाइम पे एक्सरसाइज करवाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर आर डॉग्स है ना। वैसे भी ये लोग इतनी ज़्यादा ड्रोलिंग कर रहे थे एंड लियो को तो चलो ठीक है अभी घर के अंदर जाना था, लेकिन हमको तो पैंथू और जेनी को लेके बहुत दूर तक जाना था। तो उसके बाद फिर हम लोग ने हार्डली 5-6 मिनट खेले हम लोग एंड उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चलने लगे। लेकिन जब हम चलने लगे ना तो शायद लियो को ऐसा लगा कि हम बहुत कम देर रुके हैं एंड उसको और खेलना था, तो वो महाशय हम लोग के साथ साथ पीछे चलने लगे और किसी की सुने ही ना। फिर उसके बाद बलराम भाई ने उनको थोड़ा सा जब डांटा ना, उसके बाद जाके लियो भाई साहब घर लौटे, वरना वो घर ही नहीं जा रहे थे। तो उसके बाद फाइनली हम लोगों ने बलराम भाई और लियो को बाय बाय बोला एंड फिर जेनी चली गई अपने घर एंड हम और पैंथू आ गए। चलो लियो लियो, आज मानवे ने तुम्हारे घर चला जाएगा आज। आपके कुत्ते ने आपको छोड़ दिया, अब अंदर चले। अब अंदर बाय बाय। चलो फिर बाय बाय भाई, बाय जेनो। तो गाइज इसके बाद हमारी आज की वीडियो और एडवेंचर दोनों ही ख़त्म हो गया। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरी देखी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड हम लोग अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।